मुझे अपने बाप के बाद दुनिया में एक ही इंसान से प्यार है। मालिक की फैमिली में मैं तो ईदी मिल रही है। ईदी चलो भाई ईदी ले लो। ये होता है लव एट फर्स्ट साइट वाला जो होता है सीन, तो बस में लग गई है। ये देखो जरा ईद मना ऐसे मिलते हैं। माशाल्लाह से मेरे अब्बू कितने हैंडसम लग रहे हैं। जो वीडियोग्राफर पर्सनल है ना वो Sister's diary. So yeah, it's not a Ramadan day, it's the Eid day one. तो आप सभी का सबसे पहले तो हमारी तरफ से ईद मुबारक हो। बहुत बहुत तैयार होगी भी बोलूँगी, बट फॉर नाउ ईद मुबारक आप सभी को अपनी दुआओं में, और ज़रूर याद रखिएगा हम लोगों को। ये देख सकते हैं आप, मैंने बिजली लगा ली है अपने जो मेरा दूसरा हाथ रह गया था, और बस अभी क्या क्या सीन हुआ, क्या नहीं, क्या नाश्ता करा, वो सब आप जाके देखें पहले वो क्लिप्स, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। हमारी पहली ईद है अब्बू के बगैर कि वो हैं अब्रॉड और हम हैं यहाँ। लाइक फर्स्ट एवर टाइम इन माय होल इंटायर लाइफ, तो ऑब्वियसली हम उन्हें मिस कर रहे हैं। हमेशा सुना करती थी कि ईद अपनों से होती है, कपड़ों से नहीं, तो इस बार फील हो रही है। कोशिश मेरी यही है कि रोना धोना ना करें, क्योंकि सबसे पहले मुझे तो बहुत ही जल्दी रोना आ जाता है भाई, क्योंकि इमोशंस नहीं कंट्रोल होते। ऊपर से अब्बू को बड़ा मिस करते हैं हम लोग ना, तो यही कोशिश है कि ना मैंने रोना है बिल्कुल भी, नो रोना धोना बिल्कुल भी, क्योंकि हम तो रोते ही रोते हैं, लेकिन अब्बू वहाँ और ज़्यादा रोते हैं, हमसे ज़्यादा रोते हैं हमें देख के, क्योंकि वो अकेले वहाँ पर, हम तो यहाँ फिर भी साथ हैं एक दूसरे के, उन्हें ज़्यादा कमी फील ना हो हमारी, तभी नो रोना धोना। रमज़ानों में हाँ थोड़ी ज़्यादा याद रहती है, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की रौनकें ही अलग होती हैं, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा फील होता है। बट अभी ईद है, उनसे भी हमारी बात हो गई अब्बू से, वहाँ खुश हैं, अच्छे से ईद मनाने, इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे अब्बू, माशाल्लाह से हैंडसम लग रहे हैं अब्बू। तो अब्बू रोना नहीं है, और लव यू सो मच अब्बू, हम सब की तरफ से बहुत सारा प्यार, और बहुत ज़्यादा मिस करते हैं हम लोग भी। इंशाल्लाह बहुत जल्द ही मिलेंगे भी। मम्मी थोड़ा हाँ स्ट्रांग रहती हैं, लेकिन अब्बू थोड़ा रो जाते हैं हमें देख के, और उनका दिल इतना सा है छोटा सा ना, हम घर वालों के मामले में, तो हमें भी रोना आ जाता है, उन्हें भी रोना आ जाता है। मम्मी थोड़ा हम लोग को होल्ड करती हैं, तो खैर मैंने भी ये सोचा कि हमें स्ट्रांग बनना है, रोना नहीं है, रोना नहीं है गाइस। तो खैर गेस्ट हमारे भी आ रहे हैं, देखते हैं कैसा गुजरता है कैसा नहीं। लेकिन बस मेन जो चीज़ है आज की यही कि बस रोना नहीं है ना, ऐसा कोई सीन क्रिएट करना है मुझे कि मुझे रोना है या मेरे घर वालों को रोना है। फील तो हो रहा था ज़्यादा सुबह में, बट नो 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 मोर टेयर्स, जस्ट बी हैप्पी हैप्पी हैप्पी। ईद है, खुशी से मनाएंगे, खुशी से रहेंगे इंशाल्लाह। वैसे हाँ ईद का नाश्ता लग चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग, अगर सीधे सब यहाँ पे करने बैठ गए हैं नाश्ता जल्दी से, तो करेंगे फिर रेडी होंगे रमजान के बाद। आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं, मैं इधर आओ ना। सो गाइस यहाँ पे आई हुई है अब्बू की कॉल, ये देख सकते हैं आप। अब्बू हाय कर दो सब्सक्राइबर से। गए मेरे अब्बू भी मछले से, बड़े अच्छे से तैयार हुए हुए हैं। अब्बू को कैच कर लिए मोबाइल में, माशाल्लाह से मेरे अब्बू कितने हैंडसम लग रहे हैं, ये देख सकते हैं आप लोग। नेचुरल हेयर, हाँ नेचुरल हेयर से भाई। अब जल्दी से बस ये गाइस जब कॉल आती है ना तो ये अपने पास ले लेती है फोन फौरन। गए चिकन दबी की कल रात को मेहंदी लगी, तो अभी बैठ के मेहंदी लगा रही है, अभी हम लोग सबको सफाई कर रहे हैं। तो वैसे आप लोगों ने देखा होगा क्या हुआ क्या नहीं, और अभी मैं मेहंदी लगा रही थी, तो हाँ मेरी मेहंदी डाल तो आप देख सकते हैं प्यारी लग रही है ना मेरी मेहंदी। अल्लाह मेकअप ट्यूटोरियल बना रही है अपना साथ में, तो मैंने रात को लगा ली थी, नव्या ने लगाई थी साथ पे, इसके साथ मैंने खुद लगा ली सिंपल सी जल्दी जल्दी से। और यहाँ पे ये तैयार हो रही हैं लड़कियाँ, प्रॉपर तैयार हो जाए, फिर मैं आप लोगों को लोगों से मिल पाऊँगी, जब तक कि मैं भी ज़रा तैयार हो जाऊँ जल्दी से। अभी घर वगैरह हमारा सेट ही था, हम लोगों ने रात को करके सोए थे, तो यहाँ सब बेडशीट वगैरह यहाँ भी बिछी हुई है, यहाँ ये दो लड़के भी रेडी हैं। इस लड़कों का तो पता है बस नमाज करो फिर बिस्तर 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 में ही पड़े रहो, कोई काम नहीं होता। पिक्चर्स के लिए उठेंगे ये लोग अभी, जो मैं उठाऊंगी इन लोगों को, बस बाकी लोग आराम से बैठे हुए हैं अपना। पता है आपको ईद का घर है, शादी वाला घर है तो यहाँ ईद का घर है, ईद का घर है अभी यहाँ भी। देखा हमने ड्राइंग रूम भी साफ कर दिया, ईद का घर है तभी हर जगह ज्वेलरी वगैरह से फैला ही रहेगा। यहाँ ये हमारा डिवाइडर भी रेडी है पूरा,
ये हमारी सारी ज्वेलरी रखी हुई है गाइस, ये मेरे इयर रिंग्स है और ये गम हो गए थे गाइस, मेरा इतना मूड ऑफ हो गया था, बड़ा था मेरे साथ बैड सीन हुआ था गाइस। एक तो मेरे मेहंदी नहीं लगी, एक तो पहले चांद रात में, फिर उसके बाद मेरे इयर रिंग्स गम हो गए सुबह, वो मेरे उठा के रखे थे स्पेशली, उठा के रखे थे और मैं स्पेशली रख कर ही भूल गई थी, उन्होंने सामने डिवाइडर बिल्कुल सामने पड़े थे पुड़िया में बंधे हुए, मतलब थैली को ही मैंने पुड़िया इतना बना के रखा हुआ था। एकदम से मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे रोना आ गया था गाइस कि मैं अब क्या करूँगी, रात को भी आ गया था, मेहंदी नहीं लगी हुई थी तो वो तो उसने लगा दी फिर मेरे अब मेरे जिद का करके लगवाई कि मैंने मैं नहीं लगवाई थी कि पता नहीं क्या करेगी। अब सब कुछ डन है गाइस, लेकिन रात हो गई, एक मसला है कि रात हो गई, देखें आप तो कोई नहीं, अभी रात के लिए ज़रा ईद का दिन तो है ना पहला, ये हम गुजारेंगे अच्छे से, तैयार होते हैं आज के दिन, फिर बाद में दिन वाला शूट हम कल करेंगे अपना इंशाल्लाह, के लिए तैयार होते हैं जल्दी से, ताकि ईद वगैरह तो मिले, ईदी तो मिले गाइस, ईदी नहीं मिलेगी, ईदी कैसे छोड़ सकते हैं, तीन दिन ईदी। अच्छा गाइस अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने अच्छे से अपना 29 डेज़ का चैलेंज पूरा करा, 29 डेज़ ऑफ रमजान एंड 29 ब्लॉग्स, 30 होते हैं, 30 बोला था लेकिन 30 नहीं हुआ था, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है भाई, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है गाइस। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान बड़े अच्छे गुजरे पिछले साल की नस्बत, इस बार बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय करा हम लोगों ने, अबू मिसिंग थे लेकिन उन्होंने वहाँ पर इन्जॉय करा, हमने यहाँ पर इन्जॉय करा, तो बड़ा गुड गुड सीन रहे गाइस, गुड गुड गुड। सुबह मेरे मेहंदी भी लगी थी, मेहंदी का निशान हट गया मेरे मुँह पर से, कर मैंने इतना लगा लगा के धोए, मैंने रगड़ रगड़ के धोया फेस वॉश, मैंने कहा ये हट जाए मेहंदी का निशान। आप लोग अपना ईद ड्रेस दिखाती हूँ जल्दी से, इतना प्यार दुपट्टा गाइस, ये हमने ईद से पहले ही रमज़ान से पहले ले लिया था क्योंकि मुझे पसंद आ गया था, पहली नज़र वाला होता तो लव एट फर्स्ट साइड हो गया था ये, तो बस मैंने कहा बस लेना है भाई लेना है, तो मैं पहले ही अपने ईद आउटफिट ले रही, तभी हमें टेंशन या मसला हुआ ही नहीं बात की। ये है इसका पजामा, अब इस पजामे को क्या कहते हैं, प्लाजो, देखेंगे इसकी प्लाजो आ गया, इस बार हम लोग ने कलरफुल रखी है अपनी भी, और ये है कमीज, आप देख सकते हैं ये इसके टसल्स भी कहाँ गए, जैसे पिछले साल मतलब इतने सालों से कभी ब्लैक कभी वाइट, ब्लैक एंड वाइट वाला ड्रेसिंग कर रही हूँ, तो चल अगले साल हम कुछ कलरफुल करेंगे, मतलब न्यू कलर्स ना, बट अगेन ब्लैक हो ही गया, वो भी ज़्यादा ब्लैक, ब्लैक ना अच्छा लगता है बेस्ट, मतलब कितना भी कर लो लेकिन ब्लैक पे दिल आता ही आता है। अरे यार व्लॉगिंग चप्पल टप्पल बहुत होगी, अब मैं जाती हूँ जल्दी से रेडी होने की, सो गाइस हम लोग रेडी हो गए हैं यहाँ पे, और हमारे भगवान आ गए हैं, ईद मुबारक गिफ्ट भी मिला है, इतनी छोटी है इसका दिमाग, जैसे पता है नहीं वो हम क्यूट लग रही हो, इतना प्यार फिट लग रहा है आपका ईद। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, मेरे लोग आप लोगों को अभी तक अपने लुक तो दिखाई नहीं है, मतलब मैं तो उस तरह मेरे पंजाबी डांस किया अपने आज लुक को लेकर, तो मैं थोड़ी पंजाबर टाइप बनी हुई हूँ, पंजाब टाइप की पंजाबर ही बनी हुई हूँ मैं इस टाइम, बोली बिल्ला गुड देखा रहता तेरा करता कर वहाँ पर आंदा नहीं, वैसे भी इतनी गुजरती मैं परांदा ले लूँ पर मुझे कहीं मिला नहीं अच्छा, बट नो प्रॉब्लम छोटी सी चोरी लग रही है। सबसे पहले तो नबिया का लुक देखें, इस तरफ आके दिखाओ गाइस, ये नबिया की लुक है आप देख सकते हैं, तुम लोग देखें गाइस कितनी प्रिटी प्रिटी, ये भी तैयार हुई हुई हैं, हो गई हैं गाइस ये भी प्रिटी प्रिटी रेडी, तो गाइस मैं आज का अपना मेकअप फुल मेकअप मैंने खुद किया, पहली बार ऐसे ईद हुआ होगा तो मैंने अपना पूरा मेकअप खुद करा है, आई मेकअप भी और पूरा मेकअप, आप लोग वो जाके मेरी रील देखिएगा इसमें मैंने पूरा अपना दिया हुआ है, गेट रेडी विद मी फॉर इट। सेकेंड ईद का मैं नहीं बताऊंगी, कल भी मैं यही पहनूंगी क्योंकि गाइस मेरा सुबह मुझे तैयार हो गया, मैं डे लेट रहा था सूट सिलवाने का, हम लेट हो गए क्योंकि हम सोए लेट थे, बट कोई बात नहीं छोटी है वापस तैयार होना होगा हम लोग को, बाहर बन रही है यहाँ पे बिरयानी, ओए होए होए माशाल्लाह, मटन है या बीफ, ओए होए डबल हो गया गाइस माशाल्लाह से, अच्छा प्यास लाल हो रही है, क्या अरोमा है, सिर्फ बस रही अंदर जाके, यहाँ पे अपनी दिल से दम लगा रही हैं चावलों को, एंड द सेटअप यू गाइस कैन सी, मैं बड़ी ऑब्सेस्ड हो गई अपने घर के सेटअप से, कोई 10-15 हज़ार पिक्चर्स बनाने के बाद भी मेरी तो फिलहाल बस नहीं हो रही है, बट लेट्स सी जैसे हो गई है, मतलब पिक्चर्स हो गई है मेरी, पता नहीं क्या होता है दिमाग को क्या होता है ये लड़कियों के साथ, हम नहीं समझ आता भाई बिल्कुल भी नहीं, पिक्चर्स के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, और वीडियो से स्पेशली क्या मेरी वीडियो भी इसमें सबसे गाय सबसे प्यारी पिक्चर्स और अच्छी मेरी जो वीडियोग्राफर पर्सनल है ना वो सिमरा है,
उसने तो इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स ली गाइस, इतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाई है ना कि बस दिल खुश हो जाता है मेरा। मेहंदी आज नबिया ने लगाई, पिक्चर्स सिमरा खींच रही है। तो भाई सब मेरे पास अपने ओन हैं, मतलब सब मेरे अपने भाई, सबको मैंने ट्रेन करा अच्छे से लग रही है। ये देखो जरा ईद मना रहे हैं बच्चों का चश्मा पहन के, इनकी तो ईद अब मुझे हुई है ना गाइस। ये देखें आप माशाल्लाह से मेरी अम्मी की लोग प्यारी से, हमने सेम सेम करी है नबिया, अम्मी, मैंने, सिमरा ने, सबकी सेम सेम लुक है गाइस। बहुत बताना है ना, बहुत टेंशन, बहुत किसी सोच में हूँ मैं इस टाइम ऐसे पे गाइस। इन लोगों ने अपने कपड़े चेंज कर लिए हैं गाइस, बैठे हुए आराम से गेम देख रहे हैं भाई। गाइस मैंने अपने कपड़े लेके रख लिए थे, ये होता है लव एट फर्स्ट साइट वाला जो होता है सीन, तो बस मुझे ऐसे पसंद आया, मैंने कहा बस गाइस डन, ये दुकान आने का ओके बाद ही लॉक हो गया बिल्कुल। गाइस अभी मैं आ गई हूं किचन में जल्दी से रायता बनाने के लिए। गाइस ये देखें बिरयानी माशाल्लाह से बीफ की रेडी है यहाँ पे, अब हम जल्दी से सर्व करेंगे सबको। बहुत भूख लग रही है कसम से, मैंने नाश्ते में सिर्फ थोड़ा सा कांटा और एक जो कबाब होते हैं वो से खाया हुआ है मैंने, क्योंकि भूख ही नहीं लग रही है। तैयार होने की इतनी एक्साइटमेंट होती है ना, ऐसे कुछ भी करने का दिल नहीं करता। हाँ सारे का आधे का आधा किलो बता कर रही हूँ ना सम्मियों का, बस नहीं चल रहा कि बस सारा काम मैं कर रहा हूँ, नहीं करती मेरी बेटिया कोई काम भी नहीं करती। लॉजिक है गाइस सम्मियों की मदर कैसे, गाइस ये रायता रेडी हो गया है यहाँ पे। गाइस ये देखें माशाल्लाह से प्यारे प्यारे बच्चे सब बैठ चुके हैं दस्तरखान पे, सब कलरफुल कलरफुल, मेरा भी गिर गया। कोई बात नहीं, फिर से एक बार मेरा सूट बच गया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें गाइस सिमरा, ये देखें गाइस मेरा सूट बच गया, तो खाना वाना हम लोगों ने खा लिया है एंड खाना में अम्मी ने इतने मज़े के बनाए थे ना, मतलब बिरयानी वो अम्मी ने चाटते रह गए हम लोग। अब बारी है गाइस ईदी की, ईदी बांटनी है तो ईदी के लिए मुझे हमने कार्ड बना लिए थे, नाम नहीं लिखे थे गाइस, तो अभी हम नाम लिखेंगे। ये बड़ों के हैं और ये हैं छोटों के, ये तो खैर हमारी ईदी है, खाला ने हमें हमारी ईदी दे दी है। ये मुझे ना ये बड़े वाले में से छोटे वाले में डालनी है, ईदी कार्ड्स में डालने बच्चों की ईदी दिया तो है, इससे चिपकाओ किंदा पी। हाँ चिपका दिया मैंने, मैं नाम लिख दिया, क्या हो गया तुम्हें, मैंने देखा ही नहीं था। वाह इसे 500 ईदी मिल रही है, कई 1000 रुपीस मिले हैं मुझे। कैसी तैयार हो गए लोग एंड गाइस ये आप गेस करें कितने कितने ईदी वाले कार्ड होंगे, ये बड़ों इसमें 5000 हैं। फाइनली यहाँ पे हमारी ईदी बच्चों की और बड़ों की रेडी हो गई है। नाम तो लिखो, हमें पीछे लिखे ना नाम, अच्छा लिखे वो इर्तिजा को देखना, हमें इर्तिजा हाँ सही से समझा। अब माशाल्लाह गाइस जिसने अभी खेला और अभी जल्दी से जाने का टाइम हो गया, फैला दिया फैला दिया। हाँ ईद मुबारक पैरेंट्स, आप लोगों को भी सो रहे हैं कह रहे भाई हमारा दिमाग नहीं, साड़ी पहनी है ये देखे गाइस, वाओ यार साड़ी लग रही है कसम से, बहुत प्यारी लग रही है। तो हमारे 1000 रुपये तुम्हारे पास है ठीक है ना, शादी वाला तो माहौल बना हुआ है, आप भी शादी कर लें इसी के एक शादी निपटा दी हम लोग, देखे आप बहुत बना हुआ है, ऊपर से हम तैयार भी ऐसे ही हुए हैं। सलाम कौन करेगा, मांगने का स्टाइल काफी कैजुअल है दीदी, भैया आपकी आपके बड़े भाई हैं ना, तभी भी उन्होंने भेजी नहीं है ईदी, लेकिन मैंने कहा मैं दे दी मेरी सबको, हमारी ईदी भेजेंगे ना इजी पैसा से, ईदी पैसा क्या लिखा है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखा हुआ। ये है इर्तिजा, इर्तिजा इतना खतरनाक नाम है, पहले सलाम करते हैं शामी को, अब शरारत करिए ना तो आप लोग से ईदी भी नहीं मिलेगी, वापिस ले लेना इससे ईदी। अल्लाह सलाम के हाथ मिला रहे ईदी मिल गई लोगों को, तेरी है साकिब की ना मामू की पता नहीं कब, साकिब मामू तो नहीं है, सलाम करते हैं सबको सिखाना पड़ेगा, सब भूल गए ईद पे कैसे करते हैं, तुमने साड़ी पहन ली है। हाँ साड़ी पहन ली इसने, क्या है क्या करेंगे आप इसी ईदी से, क्या लेंगे आप हमें पार्टी कराएंगे, यू नो इन्होंने उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया था रमजान, दिल खोल के खर्च करना चाहिए, अब तो आइसक्रीम खाएंगे
चले 5000 क्या दिल से दी ना, तो आप इसे 10,000 भी बोल सकते हैं। नहीं मैं अभी आपको इतनी मिल रही है, मुझे इतनी मिल रही है, मुझे भी इतनी मिलनी चाहिए। चाचू भी तो बढ़े, चाचू को भी ईदी मिल रही है। ईदी ओके हम रही। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो आप नहीं पूछो, कह रहे ये भूलती है, मेरी वाली कर दो ना, ये मम्मा बोलो मम्मा बोलेंगी। खाली करके ना दूंगी आपको। ये बाबूराव का स्टाइल है। ओ गाइस अब मुंह पे डूब गया। सिर्फ 400 जमा हुई अभी ने ना, चार अम्मी भी तो देंगी। अम्मी की अलग, अब्बू की अलग, वो हम लोग को देंगे आराम से। दीदी दी हमने प्यार उस पे आ रहे हैं। साड़ियाँ बना ली हमने सूट की। डायन सास और मासूम बहू की कहानी, क्योंकि सास भी कभी पापा। डायलॉग है ना उसका। अच्छा बहुत जो याद है, जो एक बार तुमसे बुलवा रहे थे ना, एक चुटकी एक चुटकी आगे बोल ही नहीं पाती थी वो डायलॉग। कैसे बोल रही लाइट गई थी होता था इसका। हम ये कर सब कर रहे थे। चलो गाइस हम जा रही हूं से अंबानी की फैमिली में। अंबानी की फैमिली में, अंबानी की फैमिली में तो धीरे धीरे मैं कोई नहीं जा रहा। चला हां तुम बड़े रहे सर अंबानी धीरे में धीरे चुपते रहेंगे, बोलेंगे फिर बाकी हमें जॉब से हटा दे, मुझे मैं जा रहा हूं। नहीं नहीं साथ में अमीर होकर आओ अंबानी की वेडिंग में से। वो कौन सा हीरो है जो जॉन अब्राहम? साथ पैदा होने का फायदा। सिलसिला ये चाहत का, हवा चल रही है, बाल उड़ रहे हैं। व्हाइट साड़ी पहना के खड़ा कर दो। फुल वो आइडिया देने फिल्मिंग आइडियाज डायरेक्टर। वैसे गाइस शुरू से मैं डायरेक्टर और ये प्रोड्यूसर कैमरामैन भी यही रहे हमारे, तभी हम ट्रेन में। अब दिए जलाए, अब दिए वाले पास करेंगे। हम दुपट्टे से पहले साड़ी बनाते थे, दुपट्टे के साथ बनाते थे हम, तो आज ये बड़ा अच्छी फील आ रही है। पहनेंगे सब सारे मलाय, तुम सारी लोकेशन बता दो पूरी। जस्ट गेटिंग ऑब्सेस्ड विद माय लुक। पैसा आ जाओ, ईदी ले लो, ईदी बच्चों, ईदी ईदी पूरी गड्डी में दे देंगी तो आप मना नहीं करूंगी, नो प्रॉब्लम। शर्म नहीं आती तुझे? अस्सलाम वालेकुम भाई, माशाल्लाह। अम्मी मुझे तो काटने चाहिए, सॉरी।
मेरे सस्ते में नहीं आती। इसमें डाल के दे मुझे ईदी। सिमरा नबिया क्या ईदी नहीं चाहिए, कहाँ है ये? वाइफ चेक करना जरा। मैंने आपको इस टाइम कोई ना वो ड्रामे की वो समझनी है हीरोइन। चलो ईदी लेने का मूड नहीं हो रहा। नबिया का क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए उसे ईदी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पूरी गड्डी ले रही। हाय 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 हाय, मुझे अपने बाप के बाद दुनिया में एक ही इंसान से प्यार है, ये वाले इससे। मर्द में बोला, मर्दों में। अस्सलामु अलैकुम। चलो कल भी लेंगे ना, कल अबू से बोलेंगे अम्मी भी 500 दें, तो फिर अम्मी ने मेरे को 400 दिए हैं। हिसाब किताब की ना, मैं बड़ी पक्की हूँ। एक सेकंड, ये तो चाचा और नानी वाली थी, का उधार रखी है ना कोई सा। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। वापस राउंड शुरू होगा ना, दादा का रेट देखा। दूसरा राउंड नहीं होगा मामू, एक ही राउंड में खत्म। इतनी जल्दी गेम खत्म हो गई वाला तो। आई जस्ट प्ले वन राउंड नॉट टू राउंड। ग्राउंड तो इतनी जल्दी खत्म हो गया वाला गेम। ईदी लेने का मूड नहीं था और अब यही बैठी हुई पूरी ईदी लेके जाएगी। नियत बदल गई। चांदात में नोटों का हाल था, ईद के लिए नोट कड़क करने के चक्कर। लोग इतने लोगों का हाल बुरा था चांदात तो, पसीनों में नोटों का तो होना ही था। कहाँ कहाँ रखते हैं भाग कर पता नहीं, ऐसे हाल हो जाते नोटों के। ब्लैक कार्ड मम्मी अबू की, ब्लैक कार्ड होना चाहिए यहाँ पे। कोई है वाले ब्लैक कार्ड की बात करें, आपको कुछ और ही नहीं समझिएगा, जो जिसमें लिमिट नहीं होती, अनलिमिटेड कार्ड होता है वो। जिनको नहीं मालूम उनको बताने के लिए। ये गड्डी तुम्हारे पास आई कहाँ से? भाई एडवांस में तैयारी हो रही है। ईदी पे एडवांस में कहते हैं मेरे शोहर को गेम कैसे खेलना, कहाँ खत्म करना, सब आता है उसको। और फिर उसकी असिस्टेंट है छोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे तो चक्कर आ रहा है, इसलिए लगता है ईदी ज्यादा नहीं मिलती हमें। पिज्जा खिलाएगी कितना, बिरयानी बनाई ना इसलिए आपके लिए। 3 4 5 उए कहाँ जा रहे हो? कायदे आजम आप, आई लव यू, प्लीज भागो नहीं, लॉयल हूँ मैं आपके साथ बड़ी। मैंने अभी तक खर्च नहीं करे, अबू वाली ईदी भी नहीं खर्च करी गाइस, वो भी कड़कते कड़कते नोट अभी तक के रखे हैं अबू वाले। किस लिए? सिर्फ 1000 रहेंगे बेटा, ऑलरेडी 5000 है, खुदा को मानो। पैसा कहाँ लेके? आंटी आ गई मोहल्ले की, आंटी आ गई जिनसे ईदी ईदी के 20 रुपए ज्यादा मांगे थे आंटी ने, तो बातें ही सुना दी। बस और छोड़ो, और मेरे पास वो भी तो रखे मेरे 1000 रुपए पुराने वाले जो मुझे मिले थे पिछले साल के। अपने साथ ही रख लो मेरी ईदी, आई ट्रस्ट यू बहना। वैसे नबिया को भी पिछले साल 90 के पास रखवाए थे, अभी तुम रख लो, तुम्हारे पास पर्स है अब ये मेरे। वर्ड नहीं ज्यादा। गंजा कर दूंगी, गंजा समझ आई ना? 2000 जिंदगी में एक चीज का मसला है, मामी का मसला है, मामी की कमी है। ये तो लगता है दुनिया भर की आधी आवाम का 99% लोगों का यही मसला है कि बाल नहीं बनते। गाइस ये थी मेरी आज की लोग, ये सब माशाल्लाह बोलते हैं मेरे पर, माशाल्लाह बोलते हैं। अभी ईदी सिमरा देगी मुझे 10 दिन में पैसा डबल, 10 दिन में पैसा डबल। सिमरा मुझे डबल करके देना, मेरे हो गया ना 2000। ईद का डे वन जिसमें हमने तो बड़ा ही इंजॉय करा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। डेली ब्लॉग्स का सिलसिला तो ख़त्म हो गया है क्योंकि रमज़ान एंड हो गए हैं, बट स्टिल आई होप एंड आई विश एंड आई ट्राई कि मैं इसे कंटिन्यू रखूँ। मैं इंशाल्लाह आप लोग के लिए ब्लॉग्स लाती रहूँगी, गायब अब मैं गायब कहीं नहीं होंगी इंशाल्लाह। तो बस आप लोग के लिए ब्लॉग्स आएंगे प्यारे प्यारे से, चैलेंज वाले, प्रैंक वाले, और कौन कौन से होते हैं सारे। उन्होंने 50 रुपये तो दो अपने जल्दी, मुझे जिस दिन तुमने गोलमाल कर दिया था। अरे मैंने क्या हुआ, जो इनको 30 रुपये दिए थे ना, उसी इन्होंने ना ड्रेसिंग के ऊपर रख दिए। अब मैं अपनी गाड़ी ढूंढने के लिए ड्रेसिंग पे, तो उससे वो पैसे मिले, उसने उसी में से 20 रुपये उठाए और मुझे लाके किसी को कह रहे में तुम्हें 20 रुपये मिले का तुम्हारा शरीर इसने साफ अपना याद रखा। बाद में इसने मुझे बहुत तेज हो रहा है बेटा, दो हो गए पूरे तुम 50 रुपये। हाँ चैलेंज कर रहे हैं पता भाई किनसा सा मंगा, इट्स नॉट चंगा गाइस, वो भटिंडा की क्या हूँ डायलॉग भूल गया। कहती है ना जब भी मैं डायलॉग नहीं मैं
जब तक आगे से मेरे पास पैसे नहीं आएंगे मैं ईदी नहीं दूंगी किसी को भी ईदी नहीं दूंगी नो ईदी फ्रॉम बड़ी बहन है फॉर नाउ जस्ट फॉर नाउ 1000 रुपए आएंगे इसके बाद अगले के 1000 रुपए प्यार झूठा तो क्या चल रहा है हम सबके पास 1000 रुपए आया था ऐसे जा रहा 1000 रुपए नहीं लेंगे तुकी और करो ना अभी वो भी कम हो गए ना शुक्र है भाई गाइस आई एम ग्रेटफुल तो नहीं अब अरे बेटा नहीं रो बिल्कुल नहीं पसंद आता मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं भी नहीं इतनी प्यारी प्यारी सी पिक्चर्स ली है और जो भी मोबाइल के कवर में कितनी गंदी दिखी यार ये लोग ये सब कर देना इसलिए बहन के साथ अब कोई काम नहीं पिक्चर्स तो कर लेंगे ना हां डे लाइट इंशाल्लाह तो सारी जमा हो जाती है ना पिक्चर्स मेरी टांगे दुख रही है कि पसंद आएगी क्योंकि बाकी सब तो तुम कैंसिल करो नहीं अभी मतलब बदल गया है अच्छी अच्छी इतनी सारी पिक्चर्स आ जाती है कि समझ नहीं आता मैं क्या सिलेक्ट करूं अगर इंस्टाग्राम में लिमिट नहीं होती ना 10 या 15 तक की तो कसम से लड़कियों ने तो 100-100 पिक्चर्स डालनी थी एक साथ तो गाइस हमारी अच्छी अच्छी पिक्चर्स आप लोग को देखनी है जो हमने आज ली है तो जाके हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर हम लोग को फॉलो करें किस बात का इंतजार है जाके हम इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जल्दी जल्दी से लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करें वहाँ जाके तो और यूट्यूब पर भी करें यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज तो बस इस ब्लॉग को मैं यही एंड करती हूँ गाइस आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो फॉर डिड डोंट फॉरगेट टू योर थम्स अप कमेंट ऑन द वीडियो सब्सक्राइब आवर चैनल फॉलो आवर इंस्टाग्राम अकाउंट्स और एक और बार आप सभी को हमारे तरफ से तहे दिल से ईद मुबारक तो बस मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ ये तो बोला नहीं विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़